नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा डॉक्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि हमें जो है खाना खाते हैं तो सीने में जलन सी होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हम कुछ खा नहीं पाते। तो मैं आपको बताऊँगी ऐसे दो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसे आप यूज़ करके आपकी एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मौसम कैसा भी हो, ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, जैसा भी हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें हो ही जाती है। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, सीने में जलन होती है। लोग जो है अगर एक आधा दिन हो जाए तो नॉर्मल होती है, लेकिन कई लोग जो है सालों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अब मैं बताऊँगी आपको ऐसे दो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसे आप यूज़ करके आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो हमारी फर्स्ट मेडिसिन आती है एसोफेटिडा क्यू, जो कि क्यू की मेडिसिन है, हींग से बनी है। अगर आप इस मेडिसिन को ले कर आएंगे तो आप स्मेल करके देखिए, आपको इसमें हींग की स्मेल आएगी, क्योंकि हींग से बनी मेडिसिन है, बहुत अच्छी है, एसिडिटी ठीक करती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप इस मेडिसिन को खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। और जैसे गैस की प्रॉब्लम है, सीने में आपको जलन की प्रॉब्लम है, आप खाना नहीं खा पाते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो ये सब चीज़ों को ये ठीक करती है, तो बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपने लेना कैसे है इसको, चाय वाला कप लेंगे, उसमें आधा कप पानी डालेंगे, लगा लीजिए 15 ml आपने डालना है, और गुनगुना पानी डालेंगे क्योंकि मौसम अच्छा है तो गुनगुना पानी बहुत बेस्ट है। और इस मेडिसिन की 5 से 6 बूंदें डालिएगा और धीरे धीरे सिप करके पिएगा, जैसे कि आपने चाय पीएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने ये खाली पेट लेना है, मतलब ये जैसे कि आप सुबह लेंगे खाली पेट लेंगे, शाम को लेंगे खाली पेट लेंगे, क्योंकि शाम को भी जो है हम लोग पेट हमारा खाली होता है, तो ये खाली पेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इस मेडिसिन को मिनिमम आपने 2 से 3 मंथ्स तक रेगुलरली लेना है, तो आप देखिएगा इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो हमारी सेकेंड मेडिसिन आती है रुबेनिया 30, जो कि जैसे कि खट्टी खट्टी डकार आती है, हमारे सीने में जलन रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, खाना खाने का मन नहीं करता, अजीब सा लगता है, जैसे वॉमिट आ जाएगी, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपने इसको लेना कैसे है, 2 ड्रॉप्स लेना है आपने दिन में 3 बार, मतलब तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने इस मेडिसिन को लेना है। जैसे कि आपको खाना खाने का टाइम है, उससे आधे घंटे बाद आपने इस मेडिसिन को लेना है। 10 डेज तक आप रेगुलर लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके रिजल्ट कैसे हैं। रेगुलर आपने इस मेडिसिन को कम से कम जैसे 3 से 4 महीने तक लेना है, फिर आप देखेंगे इसके रिजल्ट कितने अच्छे हैं। तो ये दोनों ही मेडिसिन एसोफेटिडा क्यू और रुबेनिया 30 दोनों ही बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है एसिड रिफ्लेक्स के लिए, सीने में जलन के लिए, गैस के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए और इसके बहुत अच्छे और बेस्ट रिजल्ट हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर लोगों तक मेरा जो है चैनल पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।